ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज। हेलो एवरीवन, टुडे आई एम टीचिंग यू थर्ड चैप्टर ऑफ ईवीएस। ओके, मैं आपको ईवीएस का थर्ड चैप्टर पढ़ा रही हूँ। सो विच इज अवर थर्ड चैप्टर, कौन सा है हमारा थर्ड चैप्टर? क्लॉथ्स फॉर अस। ओके, यू नो वेरी वेल ना व्हाट इज द मीन्स ऑफ क्लॉथ्स। क्लॉथ्स इट मीन्स कपड़े। ओके, वी वियर क्लॉथ्स, कपड़े हम पहनते हैं। सो हमारे लिए क्लॉथ्स है ना, चैप्टर का नाम क्या है कि हमारे लिए जो क्लॉथ्स हैं वो क्यों जरूरी हैं, क्यों हम क्लॉथ्स पहनते हैं, है ना, वो हमें क्या प्रोटेक्ट करते हैं, हमें उनकी नीड क्यों होती है, ये सभी मैं आपको इस चैप्टर में समझाने वाली हूँ। सो आर यू रेडी फॉर दिस? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज इन आवर चैप्टर, व्हाई डू वी वियर क्लॉथ्स, हम कपड़े क्यों पहनते हैं बेटा? बिकॉज जो क्लॉथ्स हैं वो हमको किस चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं? हीट, कोल्ड, विंड, रेन, इंसेक्ट बाइट, है ना, हम इन चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए, इन चीज़ों से अपने आप को, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्लॉथ्स वियर करते हैं ना, करते हैं ना, क्योंकि अगर हम क्लॉथ्स नहीं पहनेंगे तो क्या, हमें गर्मी भी बहुत लगेगी रेनी सीजन में, हम जो हैं वो भीग भी जाएंगे, कोल्ड जो विंटर सीजन होता है उस समय हमें ठंड लगेगी, है ना, और क्लॉथ्स जो है वो हमारी बॉडी को कवर करके रखते हैं, अगर हम नहीं पहनेंगे तो हमें इंसेक्ट भी कट कर सकता है ना, गॉट इट, समझ में आ रहा है? तो हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, लुकिंग वाइज ब्यूटीफुल दिखने के लिए भी क्लॉथ्स को वियर करते हैं, गॉट इट। अब हम डिफरेंट डिफरेंट क्लॉथ्स पहनते हैं, देखो, है ना, फ्रॉक भी वियर करते हैं, टी शर्ट, जीन्स, स्कर्ट्स, जैकेट्स, शॉर्ट्स, है ना, विंटर सीजन हो तो हम कैप भी वियर करते हैं, तो हम डिफरेंट काइंड्स के क्लॉथ्स वियर करते हैं, गॉट इट। अब मुझे ये बता, हु इज दिस, कौन है ये? हाँ, अर्ली ह्यूमन, जब पहले, है ना, लॉन्ग एगो ईयर, बहुत साल पहले जो लोग होते थे जिन्हें हम अर्ली ह्यूमन्स के नाम से जानते हैं, उनके पास क्लॉथ्स होते थे क्या? नो, उस समय तो क्लॉथ्स थे ही नहीं, पर ये भी अपनी बॉडी को कवर तो करके रखते थे। देखो जरा क्या पहन रखा है इनने, स्किन ऑफ डेड एनिमल, है ना, जो डेड एनिमल्स होते हैं, जो मरे हुए जानवर होते थे, उनकी स्किन को, लीव्स को वियर करते थे ये, उससे अपनी बॉडी को कवर करके रखते थे। ओके, क्योंकि प्रोटेक्ट की नीड तो इनको भी होती थी। ओके, तो अर्ली ह्यूमंस जो थे उन क्या वियर करते थे, वो लीव्स और स्किन ऑफ डेड एनिमल। ओके, लीव्स एंड स्किन ऑफ डेड एनिमल्स, इससे ही अपनी बॉडी को कवर रखते थे, गॉट इट। अब क्लॉथ्स की नीड हमें क्यों होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्लॉथ्स वियर करते हैं, किस चीज़ से प्रोटेक्ट? हीट, कोल्ड, रेन, विंड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स, सभी कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट क्लॉथ्स वियर करते हैं, पता है हमें? ओके, देखो यहाँ कुछ पिक्चर्स दिख रही हैं हमको। ओके, अब यहाँ देखो, जो फॉरेनर्स होते हैं, जो होते हैं, उनका ड्रेस कोड कुछ अलग होता है, वो कुछ और वियर करते हैं। ओके, कुछ साड़ी वियर करते हैं, तो कुछ फ्रॉक्स वियर करते हैं। ओके, ड्रेस जो होती है डिफरेंट होती है सभी की ड्रेस जो होती है, ड्रेस कोड जो होता है सभी का डिफरेंट डिफरेंट होता है, उनके कंट्री के अकॉर्डिंग वो अपना ड्रेस कोड रखते हैं ना, कहीं पर साड़ी पहनते हैं, कहीं लहंगा चुन्नी पहनते हैं, पंजाबी लोग सलवार सूट पहनते हैं, तो उनकी जो कंट्रीज होती है उसके अकॉर्डिंग उनका ड्रेस कोड होता है, गॉट इट। नाउ डिफरेंट क्लॉथ्स फॉर डिफरेंट सीजन। ओके, हमको पता है देर आर थ्री सीजन्स, थ्री सीजन्स होते हैं मेन, कौन कौन से होते हैं? समर सीजन, रेनी सीजन एंड विंटर सीजन। ओके, तो इन तीनों सीजन में जो हमारा क्लॉथ्स होता है वो भी हम डिफरेंट ही वियर करते हैं। ओके, क्योंकि समर सीजन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो समर सीजन में हम कौन से क्लॉथ्स वियर करते हैं? कॉटन क्लॉथ्स वियर करते हैं। कौन से क्लॉथ? कॉटन क्लॉथ्स। व्हाई, क्यों करते हैं? बिकॉज दे कीप अस कूल, क्योंकि ये हमको कैसा रखते हैं? ठंडा रखते हैं, हमारी बॉडी को कूल रखते हैं, इसलिए हम समर सीजन में कॉटन क्लॉथ्स वियर करते हैं। नाउ इन विंटर सीजन, विंटर सीजन में हम क्या वियर करते हैं? वूलन क्लॉथ्स। क्या वियर करते हैं? वूलन क्लॉथ। व्हाई? बिकॉज दे कीप अस वार्म इन विंटर सीजन, क्योंकि ये हमको विंटर सीजन में
वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं हमारी बॉडी को, पहनते हैं ना। देखो यहाँ पिक्चर में दिख रहा है आपको, उसने स्वेटर भी वियर कर रखा है, ग्लव्स वियर कर रखे हैं, स्कार्फ है, कैप है, ये सब हमारी बॉडी को कैसे रखते हैं, वार्म रखते हैं। इसलिए विंटर सीजन में हम कौन से क्लॉथ्स वियर करते हैं, वूलन क्लॉथ्स वियर करते हैं, गॉट इट। एंड इन रेनी सीजन में क्या नीड होती है, रेनी सीजन में ये नीड होती है कि जब बारिश हो रही होती है तो हम अपने आप को वेट रखने से कैसे बचाएं, है ना, कैसे गीला होने से बचें। तो कैसे बचते हैं, क्या करते हैं हम, आप बताओ जरा। रेनकोट वियर करते हैं अगर बाहर बारिश हो रही है और कहीं जाना होता है तो, मम्मा बोलती है ना रेनकोट पहन लो, अम्ब्रेला ले लो, बोलती है मम्मा ऐसा। तो हम अपनी बॉडी को ड्राई रखने के लिए, है ना, रेनी सीजन में हम अपनी बॉडी को ड्राई रखने के लिए, वेट से प्रोटेक्ट रखने के लिए, गीलेपन से बचाने के लिए रेनकोट वियर करते हैं। तो इन रेनी सीजन वी वियर रेनकोट, रेनी सीजन में हम क्या वियर करते हैं, रेनकोट वियर करते हैं, गॉट इट। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ सीजन, जो सीजन है वो भी थ्री टाइप्स के होते हैं, और उन सीजन के अकॉर्डिंग जो हमारा क्लॉथ वियर सिस्टम होता है वो भी थ्री काइंड्स का होता है, ओके। कॉटन क्लॉथ्स, वूलन क्लॉथ्स एंड रेनी क्लॉथ्स, इट मीन्स रेनकोट्स, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर क्लॉथ्स मेड ऑफ। अब क्लॉथ्स तो वियर करते हैं बट क्लॉथ बना कैसे, हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि क्लॉथ बनता कैसे है, ओके। सो क्लॉथ के लिए क्या होता है, ये प्लांट दिख रहा है आपको, कौन सा प्लांट है, ये कॉटन प्लांट, इट मीन्स यहाँ पर क्या ग्रो होता है, कॉटन ग्रो होता है, क्या ग्रो होता है, कॉटन ग्रो होता है, इट मीन्स वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट, हमको कॉटन प्लांट से कॉटन मिलता है। फिर इस कॉटन को लेकर हम ये जो यहाँ दिख रहा है ना आपको, ये यहाँ पर उस कॉटन से स्पिनिंग की जाती है, इट मीन्स क्या बनाया जाता है, थ्रेड बनाया जाता है, दिख रहा है आपको ये थ्रेड दिख रहा है ये गर्ल के हाथ में, तो स्पिनिंग करके क्या बनाया जाता है, इससे थ्रेड बनाया जाता है, ओके। एंड आफ्टर दैट स्पिनिंग से थ्रेड रेडी हो गया, उसके बाद क्या करते हैं, ये जो लूम होता है इस पर उस थ्रेड को वेविंग करके क्लॉथ बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, क्लॉथ बनाया जाता है, प्रोसेस समझ में आई है आपको। वी गेट वूल फ्रॉम शीप, ओके। मैंने आपको बताया था विंटर सीजन में हम वुलन क्लॉथ वियर करते हैं, क्या वियर करते हैं, वुलन क्लॉथ वियर करते हैं। अब वुलन क्लॉथ इट मीन्स वूल से बना हुआ, अब वूल हमें कहाँ से मिलता है, शिप से, ओके। शिप इज द एनिमल, यू नो वेरी वेल, शिप से हमें क्या मिलता है, वूल मिलता है, इट मीन्स ये जो पिक्चर है ये किसका है, शिप, ओके। इसकी जो स्किन होती है उस पर लाइक अ फर, ओके, जो बाल होते हैं उसके जो हेयर होते हैं वो वूल वहीं से मिलता है, उसको निकाल के हम वूल बनाते हैं, ओके। वूल मिलता है वहां से हमको, ओके। एंड देन उस वूल को नीट करके, बुन करके स्वेटर, स्कार्फ, ग्लव्स, कैप, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, गॉट इट। और इनको हम कौन से सीजन में वियर करते हैं, विंटर सीजन में वियर करते हैं, कौन से सीजन में, विंटर सीजन में, इट मीन्स वी गेट वूल फ्रॉम शीप, हमें शीप से क्या मिलता है, वूल मिलता है, और उस वूल को नीट करके इट मीन्स क्लॉथ बनाए जाते हैं, गॉट इट, ओके। नाउ नेक्स्ट इज सिल्क, ओके। सिल्क इट मीन्स सिल्क कहाँ से मिलता है हमें, वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म। सो वॉट इज द सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म क्या होता है, सिल्क वॉर्म इज द इंसेक्ट, एक इंसेक्ट होता है, दिख रहा है आपको ये यहाँ पर, ओके। इसको हम पेट करते हैं, इट मीन्स पालते हैं। अब ये जो सिल्क वॉर्म इंसेक्ट होता है इससे हमें क्या मिलता है, सिल्क मिलता है, और उस सिल्क से क्या बनाया जाता है, साड़ी बनाई जाती है, सूट्स बनाए जाते हैं, स्कार्फ बनाया जाता है। तो सिल्क से जो भी क्लॉथ बनता है वो सिल्क हमें किससे मिलती है, सिल्क वार्म से मिलता है, सिल्क वार्म एक इंसेक्ट होता है, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म, सो व्हाट इज द मीन्स ऑफ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इट मीन्स वी वियर इन अ ग्रुप, जब सभी लोग ग्रुप में एक जैसी चीजें वियर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म कहते हैं, ओके। देखो आपको पिक्चर दिख रही है, शी इज डॉक्टर, डॉक्टर का यूनिफॉर्म होता है पता है हमको, ऊपर से वो जो ब्लेजर पहन रखते हैं सबका सेम सेम होता है, इट मीन्स इट इज द ड्रेस कोड ऑफ डॉक्टर। पुलिस, पुलिस का यूनिफॉर्म भी पता होता है ना, हम यूनिफॉर्म से ही पहचान जाते हैं कि हाँ ये पुलिस है ना, तो पुलिस का भी यूनिफॉर्म होता है। नर्स ऑल्सो वियर यूनिफॉर्म, ये भी ग्रुप में यूनिफॉर्म वियर करते हैं। इट इज द पोस्टमैन, पोस्टमैन भी अपनी यूनिफॉर्म वियर करता है। और यू आर अ स्टूडेंट, आपकी भी तो यूनिफॉर्म है ना,
आप भी तो सब स्कूल में, अच्छा बताओ क्लास में या स्कूल में सब डिफरेंट डिफरेंट यूनिफॉर्म वियर करते हैं क्या? सब एक जैसे ही यूनिफॉर्म वियर करते हैं ना? ओके, तो जब ग्रुप में हम किसी चीज को वियर करते हैं वो हमारी यूनिफॉर्म होती है और वो हमारी आइडेंटिटी होती है। जैसे कि यहाँ मैंने आपको बताया कि पुलिस, हम उसको यूनिफॉर्म देखकर पहचान सकते हैं, एंड नर्स, पोस्टमैन, डॉक्टर। ओके, गॉट इट? सो समझ में आया आपको चैप्टर अच्छे से? नेक्स्ट क्या है अब हमारा? डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स। ओके, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था वीडियो में कि डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट क्लॉथ वियर किए जाते हैं। सारी कंट्रीज में अलग अलग तरह से ड्रेस कोड होता है, अलग अलग तरह के ड्रेसे पहने जाते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में साड़ी वियर किया जाता है, तो पंजाब में सूट वियर किया जाता है। ओके, देखो यहाँ सबके डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस होती है, डिफरेंट ड्रेस वियर करते हैं सभी। उनकी यूनिफॉर्म से ही हम उनको इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये कहाँ से हैं, कौन सी कंट्री से हैं। गॉट इट? सो वी मस्ट वियर क्लीन क्लॉथ, वी लुक स्मार्ट वेन वी वियर क्लीन क्लॉथ्स। ओके, इट मीन्स मैंने आपको चैप्टर समझा दिया, अच्छे से समझ में आ गया कि हमें क्लॉथ्स की नीड क्यों होती है और हमें कैसे क्लॉथ्स वियर करना चाहिए, कैसे क्लॉथ्स वियर करना चाहिए, क्लीन क्लॉथ वियर करना चाहिए। ओके, और उससे हम क्या दिखते हैं? वी लुक स्मार्ट। ओके, जब हम क्लीन क्लॉथ्स वियर करते हैं तो उससे हम स्मार्ट दिखते हैं, ब्यूटीफुल दिखते हैं। गॉट इट? चैप्टर समझ में आ गया आपको सभी को? ओके, आफ्टर दिस आपको वंस अगेन ये चैप्टर एक बार बुक ओपन करके रीड करना है, उसको समझना है, एंड एक्सरसाइज हो सके तो एक्सरसाइज भी फील करना है। गॉट इट? थैंक यू।